और दोस्तों हमारी मुलाकात होने वाली थी दिवाली पे, लेकिन अधूरी रह गई। जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। दोस्तों जो कि पहले स्कैनर डाला था अनसिंह भैया के बच्चों के बारे में, जो कि मतलब स्कैनर में पैसे डालो यूं करके मैंने स्कैनर डाला था, उस स्कैनर में पैसे नहीं जा रहे। तो दोस्तों नया खाता खुलवाया है और अभी नया स्कैनर है, ये रहा स्कैनर। तो जिस मतलब इस स्कैनर पे आप जितना हो सके उतना डोनेट करिए और जितना आपसे हो सके उतना पैसा डालिए। हमारे से जितनी हेल्प हो सकी उतनी हमने की है। और मतलब आगे की बात बताएंगे अपने जितेन भैया और नबू भैया। तो दोस्तों अपना अनसिंह भाई टिमलीना कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हाँ उनके दो बच्चे, तो प्लीज़ उनके लिए जितना हो सके उतना डोनेट करिए। हमने हमारे से जितना हो सका उतना डोनेट किया है, आप भी प्लीज़ जितना हो सके उतना डोनेट करिए। और दोस्तों हमारी मुलाकात होने वाली थी दिवाली पे, लेकिन अधूरी रह गई। हमारी मुलाकात भी अनसिंह भैया से अधूरी रह गई, क्योंकि अनसिंह भैया ने बोला था कि दिवाली पे अपन मिलेंगे, लेकिन हम मिल नहीं पाए और वो शांत हो गई, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों आगे का थोड़ा बहुत भैया बताएगा। हाँ तो दोस्तों अभिषेक भाई और जितन भाई ने बोला वैसे ही, मतलब आपसे जितना भी हो सके इतना आप डोनेट करो, और हमने किया और आप भी करो। तो दोस्तों अपने जो कि आदिवासी समाज के एक अच्छे खासे सिंगर थे, जिसका आवाज़ भी अपने मतलब आदिवासी समाज में और अपने इस एमपी मतलब एमपी गुजरात में सभी जगह पे मतलब चलते थे। उनके गाने हर एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में चलता था, आपको सबको मालूम है। और अभी अपने बीच वो अनसिंह भैया नहीं रहे, तो उनके बच्चे हैं। हाँ बड़े होंगे, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चों का भी सोचेंगे अपन, के कुछ उनके बच्चे भी उनकी तरह गाएंगे और कलाकार बनेंगे, ऐसा सोचेंगे अपन। मतलब वो सबको अपन को मिलके सोचना है कि हाँ उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो सोचना है कि हाँ उनके बच्चे को भी सिंगर बनाना है। तो दोस्तों जितने भी मेरे आदिवासी समाज के और अन्य समाज के जो भी है, अन्य समाज के जो भी लोग हैं, तो उनके बच्चों के बारे में, उनका बच्चे का भविष्य देख के आप जितना हो सके 1-2 रुपया या 3 जो आपने 5-6 रुपया जो भी है वो डाले, क्योंकि अपन तो 1-2 या 5-6 5 रुपये के तो गुटखा डेली खाते, 5 रुपये का तो नहीं माने, बाकी 20-30 का तो गुटखा अपन डेली खा जाते हैं एक दिन का। तो 10-20 रुपया उस बच्चों के मतलब उन बच्चों के भविष्य के लिए 20 रुपये आप डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों खास बात यही है कि उनके घर मतलब इतना वो है नहीं कि वो अमीर है, वैसा नहीं। और ऐसी बात तो दूसरी हम बताए कि सब लोग एक्टर सिंगर वो इतने अमीर नहीं होते, गरीब होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो अमीर होते हैं, तो दोस्तों वो अमीर नहीं होते, उनके बस घर का राशन पानी वो चला सकते हैं। तो थोड़ी अपने अनसिंह भैया का मतलब परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब है, और उनका घर मतलब घर की भी हालत ख़राब है। तो आप जितना हो सके उतना डोनेट करें, क्योंकि उनके आगे पीछे और कोई है नहीं, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, ना कोई लड़के भी नहीं है, सिर्फ 2 बच्चे हैं, और उनकी वाइफ है, और उनके मतलब पिता अनसिंह भैया के माता और पिता तो है, मगर वो तो अभी बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, तो उनसे तो काम नहीं होगा। तो अपने अनसिंह भैया के बारे में आप सोच के जितना हो सके 1-2 रुपया, या कोई यूट्यूबर के लिए तो खास बात है कि आप यूट्यूबर लोग हो, उनको बोलना चाहते हैं कि आप तो शायद हजार 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 तक तो डालना, क्योंकि जिस भाई ने अनसिंह भैया का सॉन्ग सुना है वो, और यूट्यूबर को सोचना चाहिए कि 1000 रुपया अपन डाले, क्योंकि अपने लेवल का सिंगर था और अपन उनके गाने वगैरह यूज़ करते थे। तो बस मैं सभी यूट्यूबर को यही कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपया आप यूट्यूबर डालें, और जो भी फ्रेंड लोग हैं उनको बोलना चाहता कि आपसे जितना हो सके 50 या 10 या 1 रुपया जो भी हो सके वो ही डोनेट करना, और ज़्यादा आपसे हो सके तो ज़्यादा भी करना। बस यही कहना चाहते हैं। जय जोहार, जय जय।